ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके मतलब जिसके लिए स्टूडेंट के लिए स्ट्रगल नहीं स्टूडेंट के लिए स्ट्रगल है कि नहीं है? नहीं है, स्ट्रगल नहीं है। नहीं है। तो जो आईटी के कोर्सेज अभी मैंने बताए हैं वो सारे ही वर्ल्ड वाइड, या इंजीनियरिंग का ऑस्ट्रेलिया में आप इंजीनियरिंग का कोई मर्जी कोर्स आज के दिन ले लो, बच्चा कभी स्ट्रगल नहीं कर सकता इंजीनियरिंग रिलेटेड, हेल्थ साइंस रिलेटेड। ये दो कोर्सेज तो आंख बंद करके बोले। फिर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट देखनी पड़ती है, अगर उसमें बच्चे का कोर्स और वो मैच कर रही, इंटरेस्ट बन रहा है। तो आप वीजा का भी ट्रेंड देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया का, तो जो अच्छे कोर्सेज हैं उनमें वीजा आ रहे हैं। जो सिंपल बिल्कुल बिजनेस मैनेजमेंट ले लिया या कुछ ऐसा ले लिया जो बिल्कुल नॉर्मल सब्जेक्ट है, जो कोई उनको ऐसी कोई बहुत बड़ी ये लगता है कि इतना पैसा लगा के बच्चा वहां जा रहा है, वो कोर्स तो यहाँ भी कर सकता है इससे बहुत कम कॉस्ट में, फिर थोड़ी सी एक सिचुएशन क्रिएट होती है। अदरवाइज अच्छे कोर्स में ऑस्ट्रेलिया में वीजा रिजेक्ट नहीं होता है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के नेक्स्ट इनटेक्स कौन कौन से हैं जिसके लिए आप लोग स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं? अभी जुलाई इंटेक है, जुलाई के बाद नवंबर बहुत छोटा इंटेक आएगा, तो जुलाई इंटेक है। लेकिन कनाडा का जो हम बात करें तो कनाडा सितंबर ओपन है, सितंबर के भी 70-80% सीट्स खत्म हो गई हैं और उन्होंने जैन 25 स्टार्ट कर दिया, और आने वाले टाइम में देखना इतना स्ट्रीमलाइन हो गया। आज ही हम बात कर रहे थे कनाडा का जो कैपिंग लगाई है उसकी वजह से वो क्रीम स्टूडेंट लेने वाले हैं। अभी तक तो जो तो अभी भी टाइम बचा है बच्चों के पास। अटेस्टेशन लेटर, देखो अटेस्टेशन लेटर में तीन बॉडीज इन्वॉल्व है, जी IRCC, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ पे भी, तो जी तब जाके इनका अटेस्टेशन लेटर होगा। तो दैट मीन्स जो छोटे छोटे एजेंट्स थे, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते थे या बच्चे का प्रोफाइल ठीक नहीं है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में जो एक अच्छा क्रीम बच्चा है उसी को वीजा मिलेगा। और जो स्टेट वाइज इन्होंने इवन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए कि हर स्टेट में बच्चा जाएगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाएगी। अब मान लीजिए कॉस्ट ऑफ लिविंग बच्चे की 1000 डॉलर जो मिनिमम काउंट होती थी, 1000 की जगह 1500 हो गई, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, तभी इनको जो है 20,000 GIC करना पड़ा। और जो मैंने सस्केचवन या आपका न्यू ब्रंसविक में 500 डॉलर में भी हो रही है, तो दैट मीन्स 6,000 डॉलर आपने साल का खर्च किया, तो आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग बचा लिया। यहाँ आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा था, तो जो आप काम कर रहे थे वो आप मेहनत करके आप कॉस्ट ऑफ लिविंग में दे रहे थे, तो वहां आपकी जी क्वालिटी एजुकेशन होएगी, आपके पास एक टाइम बचा, क्योंकि आपने कोई इतना स्ट्रगल नहीं किया कि आपको वो घर के खर्चे देने हैं, आपको बहुत कम खर्चा देना है, तो वो क्वालिटी टाइम आप पढ़ाई पे लगा पाओगे। जब पढ़ाई पे स्टूडेंट लगा पाएंगे तो नेचुरल उनके सप्ली नहीं आएंगे, तो री एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी, टाइम पे कोर्स खत्म होंगे, टाइम पे PR होगी, तो आने वाला टाइम कैनेडा के लिए स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा टाइम। बिल्कुल ठीक है, पर ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं मैम? ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टूडेंट्स काफी डरे हुए हैं खास तौर पे। ऑस्ट्रेलिया देखो ये थोड़ा बहुत अभी हुआ, अभी कोविड के बाद तो इन्होंने वीजा भर भर के दिया था और बच्चा भी बहुत गया है, तो नेचुरल इन्होंने वहाँ इनकम भी बहुत हुई, क्योंकि 2 साल बॉर्डर बंद रहे तो उसकी वजह से वहाँ मैन पावर शॉर्टेज थी, तो बच्चे जाके आपने सुना था 40-40 डॉलर मतलब $40 पर आवर के भी इन्होंने कमाए, और कोर्सेज भी अच्छे किए। ऑस्ट्रेलिया कभी भी बंद नहीं होगा, इतनी बड़ी कंट्री है, इंडिया से 3 टाइम बड़ी कंट्रीज हैं, चाहे कैनेडा हो ऑस्ट्रेलिया हो, और उनके पास उतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। ये कि एक टाइम जब बच्चा ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस को करते हैं, थोड़ा सा वीज़ा कम करते हैं, जिससे आने वाले टाइम में ये जो बच्चे चले गए उनको ये सेटल कर सकें, और नए बच्चे जब आएंगे तो उनको अच्छे से वीज़ा मिले, वीज़ा की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी जो स्किल शॉर्टेज चल रही है, वीज़ा उसी हिसाब से इंजीनियरिंग के कोर्सेज के आप एक अच्छा कोर्स लो तो आपको वीज़े की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, GET के डॉक्यूमेंट्स अब कुछ यूनिवर्सिटी हैं इनकम जो है 15-16 लाख दे रही हैं, मतलब $10,000 यानी आप 5.5 लाख रुपये जो है एक
घर में एक फैमिली मेंबर की, अगर पेरेंट शो कर रहे हैं तो 11 लाख रुपए हो गए, और एक स्पॉन्सर और ऐड हो जाए, 4-5 ज्यादा, दादा या दादी, नाना या नानी, तो वो उनके लिए। जी चलिए, थैंक यू सो मच वीना मैम, आपने स्पेशली टाइम निकाला। सो लगातार स्टूडेंट रात को भी आप इस शो को देख रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9216234209।